फिर मैं जहाज में बैठ गया, टेक ऑफ किया तो बिहार के उद्योग मंत्री के तौर पर, और लैंड किया तो पता लगा मैं उद्योग मंत्री नहीं हूँ, सरकारी बदल गई। घर छोड़कर जाता है तो उसको बहाना चाहिए, होता है ना घर में लेडीज की भी लड़ाई होती है तो कोई बहाना चाहिए। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिना बहाने के ही चले गए, अभी तो उद्योग विभाग के कार्यक्रम में आए थे दो दिन पहले, डेढ़ घंटा में साथ में था कोई बात नहीं थी। कल ही मैंने इन्वेस्टर भवन का उद्घाटन किया, उसका आधा आधा पेज एड टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम, आधा आधा पेज दिल्ली में दिया गया, ये पहली बार दिया गया, तो कोई बात नहीं थी। और ऐसे ही कुछ खिचड़ी पका रहे थे जदयू के लोग, कई बार रोने का मन हो तो कहते हैं आंख में कुछ डल गया, वो जाना चाहते थे इसलिए गए। हम लोगों ने नीतीश जी के सम्मान में कोई कमी नहीं की, हम 74 जीते थे वो 43 जीते, फिर भी उनको मुख्यमंत्री ऐलान किया था नरेंद्र मोदी जी ने, तो वादे के मुताबिक बनाया और पूरे एनडीए का नेता मान के, जैसे हम अपने नेतृत्व का सम्मान करते थे वैसे ही उनका सम्मान करते थे। तो वो गए हैं, अब राज का जो लालटेन है वो जदयू के तीर में लटक गया है, अब राजद का ही राज आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं लेकिन आज जदयू से ज़्यादा सुपौल में भी मैंने सुना राजद के लोगों में उत्साह था, क्योंकि जो जदयू के लोग मंत्री बने वो तो पहले भी थे, माननीय मुख्यमंत्री तो पहले से मुख्यमंत्री थे, कुछ बदला नहीं है, साथ ही बदल गए, सारे बदल गए। और हमने तो काम किया एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर, 80% तक रेट घटा दिया सहरसा का, सुपौल का, सुपौल की ज़मीन तो सबसे सस्ती कर दी ताकि इन्वेस्टर आ जाए। कई से बात भी हो गई थी, विजेंद्र भाई को हम बताते थे इथेनॉल वाला, क्योंकि कोटा नहीं मिला था तो इथेनॉल नहीं हुआ था, लेकिन जो पूरी 73 एकड़ ज़मीन थी उसको हमने 93 एकड़ करवाया, क्योंकि बाद में जो DMSP का क्वार्टर बनना था वो भी बाहर बनाने को कहा। तो जो उद्योगपति हैं उनको तो लालटेन से ही डर लगता है, अब वो कितना आएंगे। लेकिन एक बिहारी होने के नाते मैं अभी भी उद्योगपति को कहूँगा कि आप आइए, और अगर उनके साथ कोई दुश्वारी होगी तो ज़रूर मुख्यमंत्री जी को बताएंगे। लेकिन डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र से पूरी मदद थी, जितनी रोड वोड बन रहा है सब केंद्र से बन रहा है। तो सरकार अगर जदयू बीजेपी की रहती, अब हटने के बाद कह रहे हैं कि उनका अपमान हो रहा था, कौन कर रहा था कभी बताया नहीं, हम लोग तो सम्मान भाव से ही उनको देखते। जो लीडर होता है एनडीए का, जो चुने गए विधायक दल के, ज्वाइंट विधायक दल के नेता, तो उनका तो सम्मान करना फर्ज है।